नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर एसएसपी नीरज जादौन के नेतृत्व में कुख्यात अपराधी 2.5 लाख का इनामी अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गया। दुर्दांत अपराधी आदित्य राणा उर्फ रवि के साथ पुलिस मुठभेड़ में बिजनौर पुलिस की गोली लगने से वह मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 23 अगस्त 2022 को शाहजहांपुर से फरार हुए बिजनौर का 2.5 लाख रुपए का इनामी आदित्य राणा पेशी से लौटते वक्त पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जहां मुठभेड़ के दौरान आधा दर्जन के करीब पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपये का इनाम था। ये दो बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा, हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है। थैंक यू। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।